दोस्तों, आज मैं आपको चूना वेब सीरीज की कहानी के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही ये भी बताऊंगा कि ये सीरीज मुझे कैसी लगी। तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, इस सीरीज में जिमी शेरगिल यानी शुक्ला एक बाहुबली राजनेता है जो सीएम बनने का ख्वाब देखता है और वो इतना पावरफुल है कि किसी भी एमएलए को खरीद लेता है और दूसरी पार्टी को अच्छी कीमत पर बेच देता है। इतना ही नहीं, किसी के भी घर सीबीआई की रेड पड़ी हो तो वो उसे भी सोल्व करवा देता है और आपकी किसी भी फाइल को कहीं से भी गुम करा सकता है। लेकिन शुक्ला की भी एक कमजोरी है, वो ये कि वो अपने किसी भी काम को अपने ग्रह की दिशा के अनुसार ही करता है और ये वास्तु दोष में भी यकीन रखता है। अगर ग्रहों की दिशा बदल जाए तो ये अपने काम का प्लान ही बदल देता है और अंत में इन्हीं ग्रहों के चक्कर में शुक्ला के दुश्मन इसे 600 करोड़ का चूना लगाने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये कैसे हुआ, इसके लिए आपको ये पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक जाने जान की कहानी को नहीं सुना है तो इस कहानी के अंत में आप उसे भी सुनिएगा, कसम से आपको उसे सुनकर मजा ही आ जाएगा। तो दोस्तों, इस वेब सीरीज की शुरुआत में जिमी शेरगिल यानी शुक्ला जी एक सपना देखते हैं जिसमें उसका सारा धन हवा में उड़ता हुआ नजर आता है, जो शुक्ला को ठीक नहीं लगता। इसके बाद शुक्ला एक पंडित को अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो आने वाले समय में 3 एमएलए को खरीदने वाला है और सीएम को मारने वाला है, क्योंकि अगला सीएम शुक्ला खुद बनना चाहता था। लेकिन उसी समय पंडित जी के पास सीएम साहब का कॉल आ जाता है तो वहीं पर शुक्ला समझ जाता है कि पंडित की वजह से कहीं शुक्ला खुद न फंस जाए, इसीलिए शुक्ला उस पंडित को मरवा देता है। इसके बाद जेपी यादव को अंसारी के साथ शराब खाने में शराब पीते हुए दिखाया जाता है जो कि शुक्ला को गालियां दे रहा था। इसके बाद शुक्ला की नज़र एक बस्ती पर पड़ जाती है जहां पर वो एक शानदार मॉल बनाना चाहता था, इसीलिए वो पुलिस वालों से कहता है कि अगले 30 दिनों के अंदर ये जगह मुझे खाली चाहिए, क्योंकि आगे लोगों को मैंने प्रॉमिस किया है उनको ये जगह जरूर मिलेगी। अब आगे दिखाया जाता है कि अंसारी की शुक्ला के साथ में एक पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी, जिसमें दिखाया जाता है कि अंसारी का एक मुंह बोला मामा था जिसका नाम था फौलाद सिंह, जिसको उसकी माँ राखी बांधा करती थी और वो भी अपने समय का एक दबंग किस्म का आदमी था। उस समय शुक्ला ने उसे निपटा दिया था, लेकिन उस समय अंसारी छोटा था। लेकिन अब अंसारी शुक्ला से अपने मामा का बदला लेना चाहता था, लेकिन अभी भी अंसारी एक छोटा मोटा ही गुंडा था और ये भी किसी के नीचे काम करता था जिसका नाम था मिंटू ग्रेनेट। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लो, ये एक गुंडा है लेकिन ये भी राजनीति में अपना दबदबा बनाना चाहता है और इसकी भी एक चुनाव पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह है माचिस। लेकिन अंसारी कुछ बड़ा करने की सोच रहा था, वास्तव में वो भी एक चीफ मिनिस्टर बनना चाहता था। इसके बाद जिस बस्ती में शुक्ला चाहता था कि वहाँ पर मॉल बने, उसी बस्ती का एक आदमी यानी शब्बी नारेबाजी कर रहा था। अब शुक्ला अपने लोगों से कहता है कि इसे कोई फ्लैट ऑफर कर दो या इसे पैसे दे दो, इसकी भसड़ से काम नहीं रुकना चाहिए। और इसी मौके का फायदा उठाता है अंसारी, जो उसी समय शब्बी से जाकर मिलता है, क्योंकि अब अंसारी मिंटू के चंगुल से निकलना चाहता था। इसलिए अंसारी शब्बी से कहता है कि मैं आपकी बस्ती को अकेले अपने दम पर बचाऊंगा ताकि तुम्हारी बस्ती पर शुक्ला कब्जा ना कर पाए, लेकिन उसके लिए तुम्हारे लोगों को मुझे वोट देना होगा। अब अंसारी भी अपना दोगला दिमाग लगा देता है और जाकर सीधे शुक्ला से मिलता है और कहता है कि पठानी टोला के 7 लाख वोट मेरे पास हैं और अपोजिशन पार्टी मुझे तुरंत खरीद लेगी, इसलिए मैं आपके साथ काम करूंगा, लेकिन वो बस्ती वाली जगह आप छोड़ दो, बदले में उतनी ही जमीन मैं आपको मिंटू से लेकर दे दूंगा। लेकिन शुक्ला उसकी बात नहीं मानता क्योंकि उसे मोल तो उसी बस्ती में ही बनाना था। अब अंसारी मिंटू की चमचागिरी छोड़ना चाहता था, इसलिए मिंटू कहता है कि 5 लाख दे और चला जा। और अंसारी कहता है कि हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, उसी में से 5 लाख काट लेना। ये बात मिंटू को सुई की तरह चुभ जाती है, इसलिए अब मिंटू अपने आदमियों के साथ अंसारी के घर पहुंच जाता है। लेकिन अंसारी मिंटू को ही धर लेता है और उसके पैसे भी हड़प लेता है। अब इसका बदला लेने के लिए मिंटू शुक्ला का सहारा लेता है, जो अंसारी और शब्बी दोनों को उठवा लेता है और उन दोनों को पीट पीट कर उनका बुरा हाल कर देता है और कहता है कि आगे से कभी भी उस मोल वाली जमीन के बारे में सोचना भी मत। लेकिन इस वार्तालाप में अंसारी ये जान चुका था कि उसके मामा की हत्या के पीछे मिंटू का भी हाथ है। इसके बाद एक आदमी थाने में जाकर थानेदार को बताता है कि शुक्ला के पास 300 करोड़ रुपया आने वाला है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि शुक्ला के पास हर चीज का सोल्यूशन है, वो नेता को खरीदता बेचता है। इतना ही नहीं, सीबीआई की रेड पड़े तो शुक्ला उसे भी सोल्व कर देता है और कोई फाइल गुम करानी हो तो शुक्ला जी उसे भी करा देगा। और अब मैं आपको जेपी यादव के बारे में भी कुछ बता देता हूँ। शुक्ला को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जो कि जेपी ब्रदर को चला जाता है,
यानी जेपी कंपनी को, जिसके लिए उसने बड़े बड़े बुलडोजर खरीदे, ट्रक खरीदे और वो काम करता गया और अपनी औकात से 10 गुना ज्यादा पैसा उसने लोन पर उठा लिया, क्योंकि सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा था। और जब ये बनकर तैयार हो जाता है तो इसके उद्घाटन के लिए शुक्ला को ही बुलाया जाता है, जो थोड़ी ही देर में वास्तु दोष के बारे में बताने लगता है और उस मूर्ति की दिशा को बदलने के लिए कहता है। मगर जेपी यादव इसके लिए राजी नहीं होता, क्योंकि उस मूर्ति की जगह बदलने से वो टूट सकती थी। इस वजह से शुक्ला नाराज हो जाता है और जेपी यादव का लोन पास होने से रुकवा देता है, जिससे जेपी यादव अब सड़क पर आ जाता है। ये नौबत यहाँ तक आ गई थी कि जेपी यादव दूसरों के घरों में पेंट करने लग गया था और इसीलिए जेपी यादव शुक्ला को अपना दुश्मन मानता था। इसके बाद एंट्री होती है अंसारी के बचपन के दोस्त बांके लाल की, जो कि एक हवलदार है, जो बताता है कि शुक्ला के पास 300 करोड़ रुपया आने वाला है, हमें इसे चोरी करना है। अब लगे हाथ में आपको बांके लाल की भी कहानी बता ही देता हूँ। एक बार की बात है जब बांके लाल की ड्यूटी शनि मंदिर के बाहर लगी हुई थी और तब इन्होंने नई नई ड्यूटी को ज्वाइन किया था और उसी समय शुक्ला साधारण कपड़ों को पहनकर शनि मंदिर में जा रहा था। अब बांके लाल यहाँ पर लाइन को मैनेज करने में लगा हुआ था कि सभी लोग लाइन में आएं, लेकिन शुक्ला तो बिना किसी लाइन के ही वहाँ चला आ रहा था, तो तभी बांके लाल ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया था और शुक्ला के घूरने पर उसे कंटाप भी रख दिया था। अब शुक्ला वहाँ से तो चुपचाप चला जाता है, लेकिन वो बाद में बांके लाल को शराब खाने में बुलवा कर उसी के सीनियर से बांके लाल को थप्पड़ पे थप्पड़ खाने के लिए मजबूर कर देता है और इस तरह से शुक्ला बांके लाल का इकलौता दुश्मन बन जाता है। अब बांके लाल बताता है कि मैंने त्रिलोकी से डेटा निकलवाया है कि वह क्या प्लान बना रहा है। उसके पास किसी मॉल को बनवाने के लिए 300 करोड़ रुपया आने वाला है और ये जो आप देख रहे हो यही त्रिलोकी है, जो अपना भेष बदलने में माहिर है और ये कहीं से भी इन्फॉर्मेशन निकाल कर ला सकता है। अब जेपी बोलता है कि चोरी के लिए आप कहीं भी घुस नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी बड़ी ही टाइट है। इसीलिए अब बांके लाल त्रिलोकी से इन सभी को मिलवाता है। अब त्रिलोकी बताता है कि इस काम के लिए हमें शुक्ला के ही घर का कोई बंदा चाहिए होगा, जो इस काम में हमारी मदद करेगा। इसलिए अब उसी की एंट्री होती है, जिसका नाम है विष्णु। ये गूंगा है, वास्तव में यही शुक्ला का सारा काम संभालता है। एक तरह से ये शुक्ला का दायां हाथ है, लेकिन विष्णु भी नहीं चाहता कि शुक्ला ही अगला सीएम बने। अब एक दिन जब विष्णु शुक्ला का सामान तिजोरी में रख रहा था, तब एक आदमी कहता है कि आप विष्णु पर इतना भरोसा मत करो। तब शुक्ला ने कहा कि आप चिंता मत करो, वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरा सगा साला है। अब विष्णु की भी बीती समय की एक कहानी है, जिसकी वजह से शुक्ला उसका भी दुश्मन बना हुआ है, तो उसके बारे में भी आप जान लो। विष्णु की एक बहन थी जो शुक्ला की बीवी बनी और वो प्रेग्नेंट होने के बाद अचानक फूड पॉइजनिंग की वजह से मर गई, और ये जहर भी किसी और ने नहीं बल्कि शुक्ला ने ही मिलवाया था, क्योंकि उसे किसी ज्योतिषी ने बताया था कि उसी की संतान एक दिन शुक्ला की जान ले लेगी। इसलिए उसने अपनी बीवी को ही मरवा दिया और उस समय शुक्ला हर रोज किसी न किसी औरत के साथ चक्कर चलाता रहता था और बिना किसी खून खराबे के वो रह नहीं पाता था। और उस समय विष्णु की बहन के चले जाने के बाद उसे ऐसा सदमा लगा कि उसकी आवाज ही चली गई। लेकिन बाद में शुक्ला विष्णु को अपने साथ ही ले आता है और फिर वो शुक्ला के सभी कामकाज को संभालने लग गया था, लेकिन उसे इंतजार था कि कब वो अपनी बहन की हत्या का बदला लेगा। इसके बाद त्रिलोकी अपनी गर्लफ्रेंड यानी झुंपा के यहाँ बाकी सभी लोगों को भी चोरी की प्लानिंग के लिए लेकर आता है। अब यहाँ पर आप थोड़ा झुंपा के बारे में भी जान लो। ये वो लड़की है जो कोडिंग ट्रैकिंग के साथ साथ आपके कंप्यूटर में कोडिंग के जरिए आपकी सारी जानकारी को चुरा सकती है, यानी ये एक हैकर है। इसके बाद त्रिलोकी और झुंपा के बारे में भी दिखाया जाता है। और फिर एंट्री होती है बेला की, जो बांके लाल की छोटी बहन है, जो फिलहाल प्रेग्नेंट है, और ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि अंसारी का ही है, लेकिन अभी तक इस बारे में बांके लाल को कुछ पता नहीं था। वास्तव में बेला एक न्यूज रिपोर्टर थी और इससे पहले उसने पुलिस में जाने की काफी कोशिश की, लेकिन वहां पर उसका कुछ हो नहीं पाया। और जब कभी भी अंसारी बांके लाल से मिलने आता था, तभी से अंसारी बेला के साथ में इश्क लड़ाता आ रहा था। इसके बाद में शुक्ला बस्ती को आग लगा देता है और इस खबर के मिलते ही बांके और अंसारी भी वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अंसारी को मिंटू भी वहीं पर खड़ा हुआ दिख जाता है, तो अंसारी समझ जाता है कि शुक्ला के साथ साथ बस्ती जलाने में मिंटू का भी हाथ है। इसलिए अंसारी उसे मारने लगता है और उसकी कुत्तों की तरह धुनाई करता है, लेकिन पुलिस अंसारी को पकड़ लेती है। लेकिन न्यूज वाले भी वहीं पर खड़े थे, इसलिए अंसारी शुक्ला को अनशंट कह देता है और इसकी खबर शुक्ला तक पहुंच जाती है। और अब शुक्ला अंसारी का पूरा बायोडाटा खंगालने के लिए रस्तोगी से कह देता है, यहाँ तक कि वो किस किस से मिलता है, कौन कौन उसके दोस्त हैं, सब कुछ। इसलिए अब शुक्ला अंसारी की गर्लफ्रेंड
यानी बाकेलाल की बहन की गर्भवती होने की रिपोर्ट शुक्ला को मिल जाती है, क्योंकि बाकेलाल तो अभी तक यही मानता रहा कि अंसारी और उसकी बहन बेला एक दूसरे को भी भाई बहन ही मानते हैं। इसीलिए अब शुक्ला बाकेलाल को इसके बारे में खुद ही बताता है कि तुम्हारे पीछे ही तुम्हारा दोस्त तुम्हें धोखा दे रहा है। इस खबर को सुनकर बाकेलाल टूट सा जाता है, लेकिन वो बेला से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन बाकेलाल जेल में जाकर खुद ही अंसारी की कुटाई कर देता है। दूसरी तरफ सीएम फोन पर शुक्ला को कहता है कि तुम थोड़ा कंट्रोल में रहो, बस्ती क्यों जलाए हो, क्या तुम दंगे कराना चाहते हो। लेकिन शुक्ला भी घमंडी था, इसीलिए वो सीएम की भी नहीं सुनता, और इसीलिए अब सीएम शुक्ला की ताकत को तोड़ने के लिए एक मीटिंग करता है। लेकिन इसी मीटिंग में एक आदमी शुक्ला को फोन के जरिए उसकी इन सभी बातों को सुना रहा होता है, और शुक्ला वहीं पर पहुंच जाता है और एक को गोली भी मार देता है। और इसके बाद फिर से पंडित जी को दिखाया जाता है, जिसे शुक्ला के बॉडीगार्ड ने कभी गोली मार दी थी, और ये बचा कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब शुक्ला ने अपने बॉडीगार्ड से बोला था कि इसे मार दो, तो उस समय विष्णु भी बाहर से इनकी सभी बातें सुन रहा था, और पंडित जी का गाड़ी का पीछा करते हुए वो पानी में कूद कर पंडित जी को उसने बचा लिया था। लेकिन इस दौरान पंडित जी की एक आंख फूट चुकी थी, और इसके बाद विष्णु भी बोलने लगा था, कैसे अभी बताता हूँ। जब पंडित जी को बचा लिया गया तो फिर पंडित जी ने अपने कर्म कांड शुरू कर दिए और पूजा अर्चना की, और फिर किसी तरह से विष्णु बोलने लगा, और फिर पंडित नहीं विष्णु से अपनी आवाज वापस आने की बात को सभी से गुप्त रखने को कहा, और पंडित के बारे में भी दुनिया को भी नहीं पता था कि वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद झुग्गी वाले नारे लगाते हैं कि अंसारी को जेल से बाहर निकालो, क्योंकि वो बाहर रहेगा तो उसके रहते मोल नहीं बन पाएगा, और इसीलिए वो अंसारी की जय जयकार कर रहे थे। लेकिन शुक्ला को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि जब तक अंसारी जेल में रहेगा वो इनके लिए हीरो ही बना रहेगा। इसी वजह से वो अंसारी को जेल से छुड़वाने के लिए कह देता है, और इस वजह से अंसारी जल्द ही जेल से बाहर आ जाता है। लेकिन बाकेलाल बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अंसारी कभी जेल से बाहर आ जाए, क्योंकि अब वो अंसारी को अपना दुश्मन मानता था, क्योंकि उसने उसकी बहन के साथ गलत किया था। इसके बाद इन सभी की फिर से मीटिंग होती है, जिसमें इस बार पंडित जी भी आए थे, लेकिन विष्णु इनके सामने अभी भी गूंगे बनने की एक्टिंग कर रहा था। अब बताया जाता है कि जो रकम 300 करोड़ की थी अब वो 600 करोड़ की हो चुकी है। अब झुंपा भी वहां पर पहुंच जाती है, क्योंकि बाकेलाल ने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट जो भेजी थी, इसीलिए वो उसकी लोकेशन को ट्रेस करते हुए वहां पर पहुंच जाती है। शुरू में तो इन लोगों पर वो बिगड़ जाती है, मगर बाद में त्रिलोकी उसे किसी तरह से मना लेता है, यानी इस प्लान में अब झुंपा भी शामिल थी। अब मिंटू पहुंचा था शुक्ला के पास ये कहने के लिए कि वो अंसारी से अपना बदला लेकर ही रहेगा, लेकिन शुक्ला उसे सख्त हिदायत देता है कि अंसारी अब हमारी पार्टी का हिस्सा है, तुम उसे नहीं मारोगे। तो इस वजह से मिंटू अंसारी को तो मार नहीं सकता था, तो इसलिए वो अंसारी की गर्लफ्रेंड यानी बेला को ही उठा लेता है। तो इस बात का अंसारी को पता चल जाता है, तो इस वजह से अंसारी बेला के भाई यानी बाकेलाल को फोन करके बताता है कि मुझसे बदला लेने के लिए मिंटू ने बेला को उठा लिया है और वो 25 लाख मांग रहा है। इस वजह से ये दोनों फिर से एक साथ काम करने लगते हैं, और दूसरी ओर बेला के हाथ बांध दिए जाते हैं, और इधर ये दोनों जीजा साले बेला को छुड़ाने के लिए निकल लेते हैं, और उधर बेला खुद ही उन गुंडों को मारते हुए बाहर आ रही थी। आखिर उसने पुलिस की ट्रेनिंग जो ली थी जो आज काम आ रही थी, और उसी समय ये दोनों भी वहां पर पहुंच जाते हैं और गुंडों को मारकर निकल आते हैं। लेकिन मिंटू अभी भी जिंदा था, यहाँ पर बम इतने फटे थे कि इसकी खबर शुक्ला तक पहुंच जाती है। इसलिए अब शुक्ला मिंटू को कुछ समय के लिए थाने में बंद कराने के लिए कह देता है, क्योंकि शुक्ला ने मिंटू से कहा था कि कोई एक्शन मत लेना। लेकिन जब बाकेलाल ड्यूटी पर आता है तो वो अपना बदला लेने के लिए मिंटू की कुत्ते की तरह धुनाई करता है, लेकिन बाकेलाल आज नशे में था इसीलिए अपना प्लान भी उनके सामने बक देता है, और वो कहता है कि जेपी अंसारी और मैं मिलकर शुक्ला की ऐसी तैसी कर देंगे। और जब बाकेलाल का नशा उतरता है तो उसे ध्यान नहीं रहता कि उसने मिंटू के सामने अपने प्लान के बारे में बताया कि नहीं, और इसीलिए अब त्रिलोकी वकील बनकर थाने में पहुंच जाता है मिंटू से मिलने के लिए, ताकि वो ये पता कर सके कि मिंटू को उसका प्लान समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर पता चलता है कि जब बाकेलाल आया था तो उसने इतनी पी रखी थी कि कुछ समझ में नहीं आया। अब मिंटू के पास शुक्ला का फोन आता है जो कहता है कि तुम अंसारी का पीछा छोड़ दो तो ही तुम बाहर आ सकते हो, लेकिन मिंटू नहीं मानता। दूसरी ओर झुग्गियों के छोर से मोल बनने का काम शुरू हो जाता है, लेकिन उसे रोकने के लिए वहाँ पर सीबीआई की रेड पड़ जाती है और उस काम को वहीं पर रुकवा दिया जाता है, क्योंकि असल में ये काम सीएम ने ही रुकवाया था।
फिर हम देखते हैं कि झुम्पा भी उस जगह के मुआयने के लिए वहाँ पर गई थी जो उस जगह की फोटो को ले रही थी। इसके बाद शिनोई बिल्डर के यहाँ पर भी रेड पड़ जाती है क्योंकि मॉल बनाने वाला तो वही था। इसीलिए अब शिनोई शुक्ला को इस बारे में बता देता है और अब शुक्ला बिल्डर से 600 करोड़ मांग लेता है ताकि शुक्ला सीएम की सरकार को गिरा सके और ये मॉल वाला काम पूरा हो सके। अब शुक्ला 5 नहीं बल्कि पूरे 8 एमएलए खरीदने वाला था जिसमें वो खुद का भी पैसा लगाने वाला था। अब त्रिलोकी एक बाबा बनकर शुक्ला के घर में दाखिल हो जाता है और शुक्ला को विश्वास दिलाने के लिए वो शुक्ला के गुप्त रोग होने के बारे में भी बता देता है क्योंकि पैथोलॉजी में सभी की रिपोर्टें बेची जाती हैं। अब बाबा उससे कहता है कि 2 से 4 के बीच में वो धन इसी कक्ष में होना चाहिए और जिसके साथ आपकी दुश्मनी है यानी अंसारी उससे उलझना मत। और फिर वो ये कहकर चला जाता है कि जब जरूरत होगी तो वो फिर प्रकट होंगे। फिर जब गार्ड उसे छोड़ने के लिए जाता है तो वो वहाँ से भी गायब हो जाता है। अब ये बाबा अंदर कैसे आया इसे जांचने के लिए शुक्ला अपने कैमरों को खंगाल रहा था लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता क्योंकि त्रिलोकी हर बार अपना रूप बदलता था, कभी गार्ड, कभी सब्जी वाला तो कभी कुछ। त्रिलोकी शुक्ला के चंगुल में इसलिए नहीं फंस पाया क्योंकि पंडित जी ने उसे अच्छे से पढ़ाकर भेजा था और उसे अच्छे से हर चीज को समझाया था। अब शुक्ला अंसारी को फोन पर टिकट देने की बात करता है और इस बार अंसारी मॉल वाली जगह से समझौता भी कर लेता है। शायद उसे बेला की सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगी थी। अब फिर से त्रिलोकी बाबा बनकर आता है क्योंकि इस बार वो चोरी करके पैसा कैसे निकाला जाएगा इसका इंतजाम करने आया था। पेशाब करने के बहाने अंदर जाता है और फिर शुक्ला को अपने बाथरूम की जगह को बदलने के लिए कहता है और शुक्ला को कहता है कि आपका पैसा दोष ग्रसित है इसीलिए इस पैसे पर सूर्य की किरणें पड़ना जरूरी है और इसीलिए आपको इस पैसे को खुले में रखना होगा और इससे पहले आपने यदि इस पैसे को हाथ लगाया तो आपका सर्वनाश हो जाएगा और जब ये पैसा आपके कक्ष में होगा तो कोई भी इंसान यहाँ नहीं होना चाहिए और उस दिन मैं आपके घर पर एक यज्ञ भी करूँगा। और इसके बाद शुक्ला भी शिनोई से सूर्य ग्रहण से पहले ही पैसा लेने के लिए कहता है ताकि शुक्ला 1 तारीख को सरकार गिरा सके और इसके बाद चोरी करने के लिए इन सभी का प्लान तैयार हो जाता है। मगर कुछ टाइम बाद ही अंसारी शुक्ला के पास राजनीति में खड़ा होने के लिए चला जाता है जिसे न्यूज पर इसकी टीम के लोग भी देख लेते हैं लेकिन वो जानते थे कि अंसारी उन्हें धोखा नहीं देगा इसलिए वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसके बाद प्लान के मुताबिक जेपी शुक्ला के यहाँ मजदूर बनकर जाता है और बाथरूम की जगह को बदल देता है और इसके साथ ही बाद में वहाँ से चोरी करके भागने का रास्ता भी निकाल लेता है और इसके बाद पैसे को भी वहाँ पर रखवा दिया जाता है जहाँ बाबा ने रखने को बोला था। और इसके बाद शुक्ला लेजर को ऑन करने के लिए कह देता है क्योंकि सुरक्षा के लिए वहाँ पर कोई भी गार्ड मौजूद नहीं था और इस लेजर के बारे में अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद बांकेलाल और उसकी बहन मिलकर मदन को किसी कमरे में बेहोश करके भाग जाते हैं क्योंकि चोरी वाले काम में वो इनके लिए मुसीबत बन सकता था। अब चोरी वाले दिन विष्णु ने सभी गार्ड्स को एक वीआर फिल्म देखने में लगा दिया जिसे आंखों पर लगाकर ही देखा जाता है और कानों में हेडफोन लगा दिया जाता है ताकि बाहर का ज्यादा शोर शराबा सुनाई न दे और ऐसा इसलिए किया गया ताकि किसी भी गार्ड को चोरी की भनक तक न लगे। दूसरी ओर त्रिलोकी हवन के बहाने शुक्ला के पास पहुंच जाता है और उसी समय शुक्ला लेजर के बारे में बाबा को बता देता है। अब शुद्धि के बहाने से त्रिलोकी शुक्ला को नहाने के लिए भेज देता है। दूसरी ओर झुम्पा और जेपी को पुलिस उठाकर ले जाती है क्योंकि ये दोनों चोरी करने के लिए शुक्ला के ठिकाने पर पहुंच चुके थे लेकिन उन्हें जाते हुए विष्णु भी देख लेता है और इन दोनों को छुड़ाने के लिए आज विष्णु को बोलना ही पड़ता है और वो तैश में आकर दोनों पुलिस वालों को अच्छे से धो देता है क्योंकि था तो वो शुक्ला का साला ही। लेकिन यहाँ इन दोनों को ये पता चल जाता है कि विष्णु बोल सकता है और इस तरह विष्णु इन दोनों को छुड़ा लेता है और पुलिस वालों को भी इन दोनों को इसलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगा था और इस तरह से विष्णु इन दोनों को छुड़ा लेता है। दूसरी ओर मदन भी दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है और दूसरी तरफ झुम्पा और जेपी मिलकर चोरी करने में लगे हुए थे और अंसारी भी वहीं पर मिल जाता है जो कि पहले से ही उनसे मिला हुआ था। और यहाँ पर लेजर को ऑफ करते हुए अंसारी सारा पैसा चुरा लेता है और इधर शुक्ला और उसके आदमियों को बेहोश करने के लिए एक औरत आती है जो कि बांकेलाल की बहन थी जो चाय पिलाने के बहाने उन्हें बेहोशी की दवा दे देती है। और फिर ये लड़की और त्रिलोकी दोनों वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वहाँ पर सभी बेहोश हो चुके थे। अब एक और अंसारी नोटों से भरे बैग बाहर भेज रहा था तो दूसरी ओर मदन भी यहाँ पर पहुँच जाता है लेकिन वो नशे में इतना धुत था कि वो सब कुछ देखकर भी कुछ भी नहीं देख पाता और वहाँ से चला जाता है। और जब शुक्ला को होश आता है तब तक तो उसका सब कुछ लुट चुका था और जब वो अपनी लोकेशन पर पहुँचता है तो
तो सब कुछ सपाचट हो चुका था। अभी तक वो ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर इतना बड़ा कांड किया किसने, क्योंकि उसकी लेजर लाइट भी धरी की धरी जो रह गई थी। दूसरी ओर ये सभी पैसा लूटने को लेकर खुशी मना रहे थे और यहाँ पर इन सभी को पता चल जाता है कि विष्णु बोल सकता है। इसके बाद अंसारी शुक्ला को वीडियो कॉल करके अपने सभी लोगों के बारे में बता देता है कि तुम्हें ठगने में किस किस का हाथ है, और ये सभी एक एक करके बताते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब जिन जिन का पैसा शुक्ला ने लिया था उन्हें वापस करने में शुक्ला की सभी प्रॉपर्टी, गाड़ियां, सब कुछ बिक चुका था और शुक्ला फिर से सड़क पर आ गया था। शुक्ला का सब कुछ बेचने पर भी 10 करोड़ रुपए कम पड़ गए थे, जिन्हें वापस करने के लिए शुक्ला अब शिनोई के सामने गिड़गिड़ाने लगा था। लेकिन उसे पैसा वापस करने के लिए समय मिल गया था और फिर शुक्ला के घर पुलिस आ जाती है, जिसे सीएम ने ही भेजा था, और इस तरह शुक्ला जेल की हवा खाने के लिए चला जाता है। लेकिन दुनिया तो उसे अब भी एक वीआईपी ही मानती थी, इसलिए उसे भी वीआईपी सेल में रखा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि शुक्ला जल्द ही बेल पर बाहर निकल आता है। आखिर उसे भी अपने दुश्मनों को मजा जो चखाना था, लेकिन आज के समय में उसके पास ना तो पावर है और ना ही फूटी कोड़ी, और अपनी करियर की शुरुआत के लिए वो फिर से अपने गाँव में चला जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये सीरीज अगले भाग का इशारा करते हुए यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अंसारी ने इस सीरीज के अंत में एक चुतियापन कर दिया, वो ये कि उसे चोरी कर लेने के बाद वीडियो कॉल करके सभी को सामने नहीं लाना था, क्योंकि ऐसा करके उसने अब सभी को मुसीबत में डाल दिया है, क्योंकि मौका मिलते ही शुक्ला किसी की भी जान ले सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस आपको मरवा सकता है। लेकिन राइटर ने शायद ऐसा इसलिए किया ताकि दर्शकों में इस सीरीज का अगला भाग देखने की उत्सुकता बढ़ जाए। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये सीरीज मुझे कैसी लगी। अगर बात करें एक्शन की तो इसमें वो ना के बराबर ही है, और डायलॉग भी कुछ खास नहीं है। थोड़ी बहुत एक्टिंग लोगों की अच्छी है, लेकिन आपको इस सीरीज को देखकर मजा आ जाए मुझे इसमें थोड़ा डाउट है। सीरीज थोड़ी लंबी है क्योंकि इसमें 4 से 6 नहीं बल्कि पूरे 8 भाग हैं। इसकी कहानी के अंत तक आपको थोड़ा इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि सवाल 600 करोड़ चुराने का जो है। कुल मिलाकर बात यह है, ये सीरीज मुझे कुछ खास नहीं लगी, लेकिन अगर आप इसे देख चुके हैं तो अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। तो दोस्तों, इस सीरीज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ज्यादा कहानी सुनने के लिए आप चैनल पर विजिट जरूर कीजिए और देखिए कि इनमें से आप किस कहानी को सुनना भूल गए हैं या आपने मिस कर दिया है। तो दोस्तों, मुझे इजाजत दीजिए, मैं मिलूंगा आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, शब्बा खैर।